हाय सतिंदर रावत, 2011 में मुझे विटिलिगो की प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई। मेरे नेक पे, हाथ पे और दो तीन पैचेस पैर पे हुए थे। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब से 1.5 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर साहब ने मेरे को अच्छे से गाइड किया और उसके बाद मेरा विटिलिगो के पैचेस भी ठीक हो गए और नए पैचेस भी अभी तक 10 साल तक कोई नया पैचेस भी नहीं है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि क्या होता है कि विटिलिगो, हमें ये समझना चाहिए कि विटिलिगो पैदा क्यों हो रहा था। ओनली 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज स्ट्रेसफुल कंडीशंस एंड 2 इज कॉन्स्टिपेशन एंड इररेगुलर लाइफस्टाइल। तो हम अपने पेशेंट्स को ठीक होने के बाद गाइड करते हैं कि डाइट के बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपका मन रिलैक्स है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ये दो कारण की इम्प्रूवमेंट करने से ही विटिलिगो फर्दर वापस, डिजीज ठीक होने के बाद वापस नहीं आता है। सिर्फ इन्हीं का ही केयर करने की जरूरत है। थैंक यू।